बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद क्या तेजस्वी यादव का ग्राफ गिर रहा है? क्या तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में बेचैन है? क्या लालू के लाल नीतीश कुमार की महीन सियासत के शिकार हो गए हैं? और क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे लग्गू बनकर रह गए हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी तलाश रही है। शायद बीजेपी इस तरह के सवालों को पूछकर यह बताना चाहती है कि नीतीश कुमार किसी योजना के तहत तेजस्वी यादव को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार अपनी महीन सियासत से तेजस्वी की जड़ें काटने में लगे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा, भले आरजेडी के नेता 80 विधायक होने का दावा करते हैं, सभी ये भी दावा करते हैं कि वह महागठबंधन में सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने बड़े छोटे का नहीं चलता है। जहां नीतीश कुमार हैं, वहां सारे दायरे टूट जाते हैं। बीजेपी का दावा है कि अब तो तेजस्वी यादव को महागठबंधन में बेचैनी होने लगी है, इसलिए वह अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि बीज को अंकुरित होने के लिए भूमिगत रह अंधेरे में खामोश रहना पड़ता, ताकि वह अपने कठोर आवरण को तोड़ अंकुरित हो सके। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव का यह पोस्ट इस ओर इशारा करता है कि उनके अंदर एक तूफान चल रहा है। वह तूफान है सत्ता में रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाने का, सिर्फ वह पिछलग्गू बनकर रह गए हैं। जहां दिखना होता है वहां सिर्फ नीतीश कुमार दिखते हैं, जो करना होता है वह नीतीश कुमार करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि भले तेजस्वी यादव ने ज्यादा विभाग ले लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको अपने जाल में इस तरह से फंसाया है कि अब उससे निकलने के लिए बेचैन हो गए हैं। पहले तेजस्वी यादव विपक्ष में चेहरा होते थे, सत्तारूढ़ दल के सामने खड़े होकर सवाल पूछते थे, अखबारों में उनके सवाल छपते भी थे। अब उद्घाटन नीतीश कुमार, शिलान्यास नीतीश कुमार, बयान नीतीश कुमार, अखबारों की सुर्खियां नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पूरी तरह से शून्य हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।